पूर्वी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M4 और M5 पर शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान था सखर मोटरवे M5 और मुल्तान था फैसलाबाद M4 इंटरचेंज पर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। मुल्तान बहावलपुर फोर्टाबाद कोटचुटरा अलीपुर और शुजाबाद में धुंध ने हर चीज धुंधला दी। धुंध के बाइस हद निकासी पर है, शहरियों को मुश्किल का सामना। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को रात के वक्त सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी। महंगाई ने तुलबा को बिना छोड़ा। सूबे भर के तालीमी बोर्ड्स ने फीसों में 100 गुना इजाफा कर दिया। तारीख पैदाइश में तब्दीली की फीस 4,600 रुपए कर दी। रिजल्ट आने के 10 साल बाद तारीख पैदाइश की फीस 10,000 मुकर्रर। अंदरून मुल्क डिग्रियों की तस्दीक की फीस 2,400 रुपए कर दी। बैरून मुल्क से डिग्री तस्दीक की फीस 6,000 रुपए मुकर्रर। निजी कॉलेजेस और स्कूल के इंडोमनेट फंड की फीस में भी 85% इजाफा कर दिया गया। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फौज अब्बास और गिर्दोनवा में शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। घंटों लाइनों में लगने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा बारी आने पर आटा खत्म हो जाता है। शहरियों का अरबाब इख्तियार से सेल पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा। दो घंटे हो गए, ठीक है ना जी। हम काम छोड़कर आटा लेने के लिए आए हैं, आटा भी ले रहे हैं आपके सामने जी, ठीक है ना जी। लाइनों में लगकर आटा लेना पड़ता है जी, हम काम करें या आटा ले। यूरिया खाद के बहरान से जहानिया का किसान परेशान। इंतजामिया की मुबैना गफलत काश्तकारों के गले पड़ गई। डीलर हजरात मनपसंद अफराद को खाद मुहैया करने लगे। रात के अंधेरे में 2,800 रुपए के हिसाब से खाद की फ्लैग में फरोख जारी। खाद जरूरत के मुताबिक न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज। मुतलका हुकाम से खाद की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा। जनूबी पंजाब भर में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। सारफीन महंगे दामों एलपीजी गैस और लकड़ी कोयला खरीदने पर मजबूर। लकड़ी 1400 से 1600 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। गैस की लोड शेडिंग से लकड़ी फरोख करने वालों ने मनमर्जी के रेट तय कर लिए। इंतजामिया सुई गैस लोड शेडिंग पर काबू पाए, शहरियों का मुतालबा। मुल्तान में रेलवे का लीज पर दी दुकानों से रिकवरी का सिलसिला शुरू। डेप्यूटी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड इन एक्शन महकमे रेलवे ने 15 लाख से जायद की रिकवरी की। अफसरान की फील्ड टीम को क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। मुल्तान हाई कोर्ट बार इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम जारी। पोलिंग 25 फरवरी को होगी। सदारती उम्मीदवार राणा आसिफ का कामयाबी के लिए वकला की फलाह का अज़्म। कहा पहली बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा हूं। नौजवान वकला को दरपेश मसाइल को हल करना हमारा मिशन है। साबिक सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद के एजाज में अलविदाई तकरीब। तमाम अफसरान ने सीपीओ खुरम शहजाद की खिदमत को सराहा। खुरम शहजाद ने एडिशनल आईजी और तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर एडिशनल आईजी ने खुरम शहजाद को यादगारी शील्ड पेश की। तकरीब में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, DGPHA, सीपीओ मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, RPOs बहावलपुर और DG खान की शिरकत। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मसाइल का शिकार। सीईओ MWMC की सीट 7 दिनों से खाली। कंपनी में ताहाल सीईओ की तैनाती ना हो सकी। गुजश्ता हफ्ते सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हक नवाज चौहान का तबादला हुआ था।
मोहम्मद अनवर बरियात ने डेप्यूटी कमिश्नर तोंसा का भी चार्ज संभाल लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कल तोंसा में तमाम अफसरान की मीटिंग तलब कर ली। डीसी का कहना है तमाम दफ्तरों को फंक्शनल किया जाएगा, लोगों को जल्द अज जल्द सैलाब की रकम मुंतकिल करवाने की हिदायत, आवाम की दहलीज पर उनके मसाइल हल किए जाएंगे। वासा मुल्तान तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक, एमडी वासा जवाद कलीमुल्ला के जेर सदारत इजलास। तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। एमडी का कहना है कि सेवरेज वाटर सप्लाई के जारी मंसूबों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम डेप्यूटी डायरेक्टर्स को अपनी अपनी स्कीमों की डेली मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी। अशिया की कीमतों को इत्तेदाल में रखने का मिशन, डेरा गाजी खान में जिला इंतजामिया इन एक्शन। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर साबिर हुसैन की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। एडीसी का अफसरान को गिरा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। गुंजान आबाद इलाकों में प्राइस चेकिंग यकीनी बनाई जाए, जुर्मानों के साथ दुकानें सील और मुकदमात भी दर्ज होंगे। क्राइम के खात्मे का मिशन, डीपीओ डेरा गाजी खान की जेर सदारत क्राइम मीटिंग। जिला भर के पुलिस अफसरान ने डीपीओ को सूरत हाल बारे बताया। डीपीओ ने जराइम की शरह और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डीजी खान और मुल्तान में कंप्यूटर अपडेट कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी की रोही से गुफ्तगू, कहा बच्चों को कंप्यूटर और आईटी सलाहियतों से माला माल देखना चाहता हूं। शहरियों को म्युनिसिपल सर्विसेज उनकी दहलीज पर देंगे, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के जरिए शहरों को साफ सुथरा रखेंगे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान में सेमिनार, डायरेक्टर पंजाब कॉलेज मुल्तान रीजन उसामा बशीर कुरैशी का तकरीब से खिताब, कहा कोरोना के बाद तालीम के शोबे को कई मसाइल का सामना है। हाल ही में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नतीजे ने सबको परेशान कर दिया, तालीम के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। ताजरों को दरपेश मसाइल का होगा अब असाला, ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुल्तान में सेशन का इनेकाद। चीफ कमिश्नर आरटीओ आबिद महमूद और कमिश्नर आरटीओ जाहिदा सरफराज ने ताजरों के मसाइल सुने। आबिद महमूद कहते हैं चादर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। महकमे ज़राअत गंदम की काश्त के लिए सरगरम, मुल्तान में काश्तकारों को जिंक वाली वैरायटी बारे आगाही के लिए तरबियती वर्कशॉप। एक रोजा ट्रेनिंग में सेक्रेटरी ज़राअत की खसूसी शिरकत, कहा न्यूट्रिशन की वजह हमारी ग़िज़ा में जिंक की कमी है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में तरबियती वर्कशॉप, महकमे ज़राअत बलोचिस्तान के कारकुनान की शिरकत, कपास बेहतर पैदावार समेत दीगर उमूर पर रहनुमाई दी गई। रहीमिया खान में तैराकी के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, जिमनेजियम में एक माह में बैन अवी सतह के स्विमिंग पूल का काम मुकम्मल हो जाएगा। डीएसओ मोहम्मद इशफाक का कहना है रोजाना विजिट करके तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं, मंसूबे पर 104 मिलियन की लागत आएगी।